इलेक्शन कमीशन ने रजिस्टर सियासी जमातों की नई फहरिस्त जारी कर दी है। इलेक्शन कमीशन में 166 सियासी जमातें रजिस्टर्ड हैं। इलेक्शन कमीशन ने मुस्लिम लीग नून के इंटा पार्टी इंतखाबात तस्लीम कर लिए। मजीद तफसील जानेंगे अपनी नुमाइंदा आमना अली से। आमना बताइएगा, इलेक्शन कमीशन ने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ मुस्लिम लीग नून के सदर हैं। इलेक्शन कमीशन की जारी करदा फहरिस्त के मुताबिक जमात इस्लामी के इंटर पार्टी इलेक्शन भी सस्पेंड कर लिए गए हैं। इलेक्शन कमीशन ने कई सियासी जमातों के नए पार्टी सदर या चेयरमैन के नाम भी अपडेट कर दिए हैं। आपको बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्टी चेयरमैन का नाम फिलहाल अपडेट नहीं किया गया। इलेक्शन कमीशन ने मियां नवाज शरीफ का नाम बतौर सदर मुस्लिम लीग नून अपडेट किया है, जबकि जमात इस्लामी के अमीर नईमुल रहमान का नाम भी बतौर पार्टी सरबराज शामिल है। आपको बताएं कि महमूद खान का नाम बतौर चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन अपडेट किया गया है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का नाम बतौर सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन इस अपडेटेड लिस्ट में मौजूद है। और इसके अलावा बिलावल भुट्टो जरदारी का नाम बतौर चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शामिल है। असन यारवली खान का नाम ताहाल बतौर सदर अवामी नेशनल पार्टी मौजूद है। पाकिस्तान जमीन पार्टी भी रजिस्टर्ड जमातों की फहरिस्त में शामिल है, लेकिन जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है आपको जाएंगे तो फिर से उसके चेयरमैन का नाम ताहाल अपडेट नहीं किया गया। बहुत शुक्रिया अमना अपडेट करने के लिए।